हम लोगों ने मार्वल मूवी में देखा है कुछ फनी सीन्स और बेहतरीन फाइट के साथ सुपर विलेन एंड सुपर हीरोज की एंट्री एंड कुछ ऐसे इमोशनल सीन्स जिसे देखने के बाद हमारे आंखों से आंसू निकल आते हैं। इंग्लिश के इस छोटे से वर्ड्स की वैल्यू तो तुम्हें पता ही है, जो मैं याद दिलाते हैं उन सुपर हीरोज के बारे में जिसे देखकर हमें लगता था ये कहानी का अंत तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। आपको तो पता है अपने बॉलीवुड में हीरोज की मौत लगभग ना के बराबर होती है। बाय चांस हीरो की मौत हो भी गई तो वो फिर से जन्म लेता है एंड अपना बदला पूरा करता है, और मौत किसकी होती है? विलन की। बट मार्वल ने इन सारे सुपर हीरोज को एक ही मूवी में टीम वर्क के रूप में दिखा दिया। अगर इनमें से कोई सुपर हीरोज मर भी जाए तो हमें उतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। वीनो हर एक सुपर हीरोज की अपनी एक कहानी होती है। एवेंजर्स एंडगेम में आयरन मैन की डेथ हुई, इससे आयरन मैन के फैंस को ये बिल्कुल गलत और अनएक्सपेक्टेबल सीन लगा, और आयरन मैन के फैंस ने ये भी सोचा होगा उस मोमेंट में आयरन मैन की जगह किसी और की मौत होनी चाहिए थी, या फिर कोई ऐसा करेक्टर जो इन्फिनिटी स्टोन के गॉन्टेस्ट से निकली हुई गामा रेडिएशन को सह पाए। लेकिन यार थैनोस तो कोई अंजू पंजू सा विलन तो था नहीं जिसे कोई भी हरा दे। आयरन मैन को पता था कि मुझ पर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कहते हैं ना ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैनोस का थोड़ा सा ध्यान हटा और आयरन मैन ने इन्फिनिटी स्टोन को थैनोस के गॉन्टेस्ट से निकाल कर अपने गॉन्टेट में लगा लिया। बड़े सीन में खास बात यह थी कि इन्फिनिटी स्टोन को आयरन मैन ने खुद ही अपने गॉन्टेट में नहीं डाला था, जस्ट लाइक जो थैनोस ने किया था। यू नो व्हाट आई मीन, आयरन मैन की केस में वो खुद ही अपनी जगह पे चले गए, मानो इन्फिनिटी स्टोन ने खुद ही आयरन मैन को चुना हो। एंड कुछ लोग ये भी सोचते होंगे कि ये आयरन मैन की सूट की वजह से पॉसिबल हो सका, और ये भी काफी बड़ी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। आपको क्या लगता है कौन सी पॉसिबिलिटीज सही हो सकती है, कमेंट में जरूर बताना।